दुआ कीजिएगा कि जैसे जा रहे हैं वैसे ही वापस आ जाए। ऑयल रिमूवल भी अगर साथ में हो जाए तो बहुत अच्छा है। आपको बड़ा अच्छा फंक्शन होगा पार्टी। ये हरकतें ना करे तो तुझे आराम नहीं आता। नहीं। ड्राइविंग सीख रहा हूँ खुफिया खुफिया। ठीक है, शरबत खत्म हो गया वो जो संतर का पड़ा हुआ। ये जिस तरह से हम जा रहे हैं ना, मेरा नहीं ख्याल के हम आज पहुंचेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक जबरदस्त फिट फाट हो गए। तो इसी के साथ आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ईद हो चुकी है जी खत्म, आज चौथा रोज है। इट्स मीन के अब नॉर्मल रूटीन में आप सबको वेलकम वेलकम वेलकम। तो अभी सुबह के जो है ना 10:30 हो चुके हैं, इट्स मीन इट्स 10:30। तो अभी नहा धो के रेडी हूँ और जैसे ईद खत्म हुई है, वो कहते हैं ना पहले बारिश वाला मौसम बन गया था ईद वाले दिनों में तो अच्छी गुजर रही थी, लेकिन अब ईद खत्म हुई है तो गर्मी भी स्टार्ट हो गई है। तो रूटीन के बहुत से काम करने के लिए हैं, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। विद द रेस्ट इन टाइम व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर वगैरह चैनल को ज़रूर कर लीजिए। अच्छा अभी जी मैं ना सुबह के टाइम शरबत पीता हूँ आज, तो मुझे लगता है हैं माँ शरबत खत्म हो गया वो जो संतर का पड़ा हुआ। शरबत खत्म हो गया, सो जाओ, सीधी तरफ शरबत ही नहीं है। अच्छा, मतलब अभी सादा पानी पे गुजारा करें। ये देंगे सर आज फ्रेश ना, आमों से भरा पड़ा है, आम आते रहे हैं। असल में जो भी रिलेटिव मिलने आते रहे ना ईद पे, वो आम भी लेके आते थे और साथ में गोश्त का हिस्सा जो होता है वो भी रिलेटिव वाला, वो सीन भी होता है। तो फ्रेज ना आमों से भरा पड़ा है, ऑलरेडी हमारे घर काफ़ी आम हो गए थे तो अब ना ये मेरे ख्याल में निकालने चाहिए बाहर। इधर ये आज हमने एक मजदूर लगाया, आपको पता ईद खत्म हो गई तो काम हमने स्टार्ट कर दिया फिर से घर का। और ना कर ये हरकतें ना करे तो तुझे आराम नहीं आता। नहीं। अच्छा जल्दी करना, फिर सिटी जाना है। घर तो धो लूंगा अपना। अच्छा सही से धो ले, मैं एक तुझे टाकी भी ला के देता हूँ, ईंटों को अच्छी तरह धो ले। मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा आपको पता नहीं चला तो मैं बता देता हूँ, ये जो शख्स बैठा ना, ये जो शख्स तो ये है सदाकत। अब जल्दी कर शहर जाना है, बहुत से काम है आज। भाई लियाकत भी आ गए, आपकी ना आजकल बहुत डिमांड है भैया। बहुत डिमांड। हाँ पूछ रहे थे कि ना लियाकत भाई हर बार ईद में ना बारबेक्यू करते हैं, तो इस बार अभी तक नहीं किया। नहीं आज तैयारी कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा? पूरी तैयारी कर रहे हैं, रात को बड़ा अच्छा फंक्शन होगा। अच्छा? पार्टी ले जी, ये भी क्लियर हो गया, हो रहा है इंशाल्लाह, रात को व्लॉग बनाएंगे फिर तो स्पेशल और आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या सीन है किस तरह। असल में ना ईद के दिनों में बहुत बिजी रहे हैं, मेहमान आते थे तो हमने कहा रिलैक्स होकर जब खाने का मजा भी आया फिर आराम से खाएंगे बैठ के। मौसम भी बड़ा वो है ना, सिली सिली सा मौसम है, बस से बन जाती है तो ये आग करीब जाने को दिल ही नहीं करता। तो चले, आज हम कोशिश करेंगे, आज हम आज करीब जाएंगे, आज ये रस्म पूरी हम करेंगे। अम्मा तो मेरी टैबलेट्स नहीं मिल रही, वो जो लेके आया था बालों वाली आईब्रो वाली। ओ हां टाइमर से मैं थक गई, पहले तो नहीं मिल रही थी, मतलब काफी मैं हां रखूंगा। अच्छा ये जो चीजें मैंने इसलिए अम्मा को कहा था कि ये चीज मेरी संभाल के रखा करें, मैं हमेशा ही भूल जाता हूं। ये रही, कभी कहीं पहुंची होती हैं कभी कहीं पहुंची होती हैं। ये असल में मैं ना अब रेगुलर खा रहा हूं। अच्छा आप पूछ रहे थे कि आईब्रो का तो तुम्हारे बाल तो आए नहीं, तो भाई ये महीने का कोर्स डॉक्टर ने बताया था, महीना तो लगेगा, फौरन तो बाल अचानक से एक गोली खाने से एक बाल तो निकलता नहीं है, टाइम लगेगा, एक महीने का कोर्स है उसके बाद ही पता चलेगा इसके रिजल्ट्स का। नहीं आता तो फिर कुछ मज़ीद कोई अच्छे ट्रीटमेंट करवाएंगे, ट्रीटमेंट वैसे अभी भी अच्छा ही चल रहा है लेकिन लेट्स सी। अब तो गोलियां खा खा के ना आदत सी हो गई है, जैसे रोटी खाते हैं उसी तरह से ये मुझे अब गोलियां फील होती हैं। तो तीन गोलियां सुबह के टाइम खाते हैं, दो गोलियां रात के टाइम खाते हैं, और जो ये लोशन है ना मैं रात को ही सिर्फ लगाता हूँ क्योंकि दिन के टाइम ना पसीना आ जाता तो फिर उसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बहुत बुरा फील होता है। ब्रश करने के बाद मैं गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसके गरारे करता हूँ क्योंकि ना वो गम्स हैं जो हमारे उनके लिए थोड़ा सा अच्छा होता है, डॉक्टर ने मुझे कहा था तो इसलिए मैं करता रहता हूँ। अब ना इसका फ़ायदा होता है आप भी किया करें। तो सदाकत भी रेडी हो गया है और कैमरा पकड़े खड़ा है और मैं ना यहाँ से एक चलान निकाल रहा हूँ, बैंक में जमा कराना है। वैसे ये दूसरे वाला चलान नहीं है जो 2200 वगैरह का होता है, ये यूनिवर्सिटी का चलान है फीस का, वो सबमिट करवाना है। अभी हम निकल रहे हैं और इधर जो है ना हमारी शैम्पी की जो टूट रही है और शैम्पी की जो रड्डी है वो दोनों बहुत ही ज़्यादा गंदी दिख रही है, थोड़ा सा मार ले आज इसको भी धुलवाना पड़ेगा। और 1 बजे बैंक बंद हो जाना, 12 बज गए हैं, 1 घंटा है हमें पहुंचना है।
प्रिंट ये निकलवाया चलान का, अभी चलते हैं बैंक और ये जमा करवाते हैं। टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया है, वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचा हूँ, 5 से 7 मिनट रह गए थे 1 बजने में, तो मैं पहुँचा हूँ बैंक और वो कह रहे थे सही टाइम पे आए हो भाई, इतने सारा दिन खुला रहा है पहुँचे नहीं। अभी मैं कहा यार काम ही बहुत थे क्या करें, तो करवा लिया मैंने अपना चलान सबमिट और अभी बाकी के काम कंप्लीट करते हैं। सदाकत इधर पता नहीं क्या कॉल पे लगा हुआ है, चले अभी हम आए हैं जी इधर सिटी मार्ट पे और कुछ कॉस्मेटिक्स का सामान खरीदना है सदाकत के मेकअप के लिए ना। हाँ अच्छा, एक तो हमने खरीदना है जी फेस वॉश और साथ में एनीथिंग एल्स, और हाँ एक आईना क्रीम भी ले लेते हैं, बहुत गर्मी आ गई है भाई, एक ना एंटी बैक्टीरियल कोई फेस वॉश दे दें और ऑयल रिमूवल भी अगर साथ में हो जाए तो बहुत अच्छा है, और एक ना क्रीम दे दें ये मेंस की। हाँ यही फेयर एंड हैंडसम दे, बल्कि ठीक अच्छी क्रीम है फेयर एंड हैंडसम, ये अच्छी है। अच्छा छोटी वाली देना, वो बड़ी सही है। अच्छा और एक फेस वॉश दे दें, ब्रश लास्ट टाइम कौन सा ले गए थे, ये वाला था अच्छा था, बहुत अच्छा था। कितने का मिला था? इट्स लिटिल बिट एक्सपेंसिव बट बहुत अच्छा है। अब मुझे भी एक ले लो, जबरदस्ती लेने वाली बात नहीं, अगर पड़ा हुआ तो रहने दो, नहीं खत्म हो गया ये एक ये लेते हैं, ये वाली नहीं लेनी कोई और लेनी है। ये अच्छी है यार, ये मुंह में बड़ा ना जलन होने लग जाती है। ये यूज की है? हाँ। और कौन सी है? सेंसोडाइन के रैपिड एक्शन, ये बिल बना दे भाई। अच्छा काम हमारे कंप्लीट हो गया थे और अभी जो एक काम है वो स्टार्ट ना करे ना तो घर नहीं जाता, कहता है कि गोलगप्पे खा के जाना है। सही, तुझे मैंने खिलाया, इसी का शौक है मेरा, मैं नहीं खाते, चल चलते अब आ गए हैं खा ले, ये तो बहाना है, इतना सफ़र करके हूँ मैं, इसलिए कहता हूँ कि वापस ना वे ले जाएँ खा के चले जाएँ, तो एक बार इसको खिलाया, ये हर बार आ जाता है भाई, नेक्स्ट टाइम ये अकेला आना तो इसको गोलगप्पे नहीं देने, ठीक है ना? तो चने अच्छे लगते हैं, गोलगप्पों की बात छोड़ो, चल वो भी करवा ले। हाँ जी गाइस, तो वापस आ गए और सामान वगैरह भी ये सारा आ गया, ये पार्सल था, ये ब्रश, ये पेस्ट और क्रीम और एक फेस वॉश लिया था ऑयल रिमूवल वाला, तो अभी सबसे पहले मैंने फेस धोया, तो अब ना ऐसे फील हो रहा है कि जैसे पोर्स फेस की खुल गई हूँ। सो इट्स 5:30 और अभी हम आप देख रहे हैं गाड़ी में फिर से, क्योंकि गाड़ी सीख रहा हूँ आजकल मैं ना, तो आपको पता है प्लान बन रहा है हमारा, अभी कभी भी मूड चेंज हो सकता है गाड़ी लेने का, मजाक कर रहा हूँ वैसे अभी तक, तो हमेशा की तरह अभी भाई रास्ते पे मेन पे रोड पे ले आएंगे गाड़ी और उसके आगे फिर मैं चलाऊँगा, तो लेट्स सी के एक्सपीरियंस तो हो रहा है, काफ़ी दिनों से ना मैं ट्राई कर रहा हूँ गाड़ी के ना भाई लेकर, जब से आए मैं रोज़ डेली थोड़ा बहुत चलाते, रोज सीखते हैं भाई, रोज गाड़ी चलाते हैं। हाँ तो अभी भी लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अभी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, दुआ कीजिएगा कि जैसे जा रहे हैं वैसे ही वापस आ जाए कहीं और ना हम चले जाए। चल पड़ी अच्छा, जब मैं गाड़ी चलाने लगता हूँ ना तो मुझसे बोला नहीं जाता, समझ नहीं आ रही होती कि हो क्या रहा है, तो इसलिए ना मैं कंसंट्रेट करता हूँ कि सारा जोर अपना गाड़ी पे लगा के बैठूं कि कोई मसला ना बन जाए। सामने कुछ नजर आ रहा है तुम्हें? हाँ तो एवं थोड़ी चल रही है अब मेरे ख्याल में ना मुझे लाइसेंस भी बनवा लेना चाहिए गाड़ी का ना। नहीं नहीं अले सबर कर, अले बनवा लेते हैं यार लाइसेंस अभी लर्नर तो बनवाया नहीं, लर्नर का बनवाया ना, लर्नर भी बनवा लेंगे, वो कहते हैं अब आम नहीं खलोंदा अब तो मैं गाड़ी सीख के छोड़ूंगा, यही दिन है वैसे सीख लेते हैं, उसके बाद फिर ड्राइवर रखने से अच्छा बंदा खुद ही चला ले। अब वैसे मैं भी ट्राई करूंगा ना, देखते हैं ड्राइविंग किसकी अच्छी ज्यादा है। नहीं मुझे तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं मैं तुम्हें आज ड्राइविंग के जोहर दिखाऊंगा, डोंट वरी
जो है ना हम ये आप देख रहे हैं किस जगह पहुंच गए, ऐसे लग रहा है जैसे कनाडा में जो रोड होते हैं ना बिल्कुल क्लियर साफ सुथरे, इधर उधर से फसलें होती हैं, वैसे होते तो पाकिस्तान में भी हैं, हम पाकिस्तान में ही खड़े अक्सर आते हैं भाई लगातार। मैं तुझे पता है, मुझे तो नहीं पता कब, मैं ड्राइविंग सीख रहा हूँ खुफिया खुफिया, ठीक है ना जंगलों में सीखते हैं फसलों में आकर ड्राइविंग, ये बहुत ही सीक्रेट प्लेस है क्योंकि इस रोड पे ना रश नहीं होता, देख ले बिल्कुल खाली है, इधर से बस दो तीन लोग आ रहे हैं इसलिए यहाँ पे आते हैं। अच्छा तो अभी ना हम यहाँ से टर्न करने लगे हैं, मतलब मैं ही करने लगा हूँ तो थोड़ा सा ना मुश्किल हो गया है क्योंकि ना टर्न अब सड़क आप देखे ना बस एक गाड़ी गुजर सकती है, बाइक आ जाए या कोई और रेड़ी कोई ट्राली कोई ट्रैक्टर वगैरह आ जाना तो मतलब के मेरे बस से बार बात हो जाती है, लेकिन बहुत अच्छी ड्राइविंग हो गई है अभी भाई लियाकत ही चला रहे हैं क्योंकि इधर उधर घुमा फिरा के ना मेरे तो टांगे कांपने लग गई हैं, सही बात है जी। तो सीन कुछ यूं है कि कल तक हम घर पहुंच जाएंगे तो ये जिस तरह से हम जा रहे हैं ना मेरा नहीं ख्याल कि हम आज पहुंचेंगे, ये तो ये आगे से रेड़ी आ रही है तो ये मुझे क्रॉस करने दो उसके बाद मैं बताता हूँ, ये आगे से ना रेड़ी आ गई थी तो सदाकत के ना बताल बैठ गए तो अभी की वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह कल तक हम घर पहुंच जाएंगे और नेक्स्ट व्लॉग कल स्टार्ट करेंगे, तो अभी के लिए व्लॉग को ख़त्म करते हैं, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर वगैरह सब कुछ कर लें और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।